珍珠棉气泡膜复合，珠光膜组成。दोस्तों, आपने कभी ना कभी ज़रूर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। दराज, अलीबाबा या हर वो इंडस्ट्री जहां मटेरियल पैकिंग का काम होता है, वहां एयर बबल शीट इस्तेमाल की जाती है ताकि कस्टमर तक उनका मतलूबा सामान दुरुस्त हालत में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, फर्नीचर का सामान हो, मोबाइल फ़ोन्स हों या शीशे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो उसके लिए एयर बबल शीट या फोम शीट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये चीज़ें मतलूबा जगह पर बाहिफाजत पहुंच जाएं, क्योंकि एयर बबल शीट का काम चीज़ों को टूटने से महफूज रखना होता है। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया एयर बबल शीट या फोम शीट का है। ये एक ऐसा कारोबार है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देता है। मार्केट में मौजूद हर प्रोडक्ट जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, उसके लिए एयर बबल शीट या फोम शीट का इस्तेमाल ही किया जाता है। एयर बबल शीट या फोम शीट के कारोबार के लिए आपको किस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और जगह कितनी दरकार होगी, ये तमाम तर तफसील बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिजनेस के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मशीन देख रहे हैं, ये एयर बबल शीट या फोम शीट बनाने वाली मशीन है और इसके साथ जो स्टैंड है, इसको फोल्डिंग स्टैंड बोलते हैं। इस पर शीट या फोम का रोल लगाया जाता है। इस फोल्डिंग स्टैंड पर आप अपनी शीट लगाएंगे, मशीन पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो मशीन आपकी शीट को आपके मतलूबा साइज़ के मुताबिक कट कर देगी। आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है, अब आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में पूरा साल डिमांड रहती है। आप जितनी भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हाथों हाथ सेल हो जाएगी। अगर आप एक मशीन का सेटअप लगाते हैं तो आपको जगह भी किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने घर के एक कमरे में भी लगा सकते हैं और शुरू में लेबर रखने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो अफराद मिलकर भी इस मशीन पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन अब आपको चाइना या इंडिया से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवानी नहीं पड़ेगी, ये आपको पाकिस्तान से ही बआसानी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इस मशीन को ख़रीदने के लिए आपको कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, छोटे सेटअप के लिए 5 से 6 लाख रुपए की मशीन आएगी और बड़े सेटअप के लिए 10 से 12 लाख रुपए की मशीन आएगी। यह ऐसा कारोबार है कि अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2 से 3 माह में आपकी लगाई हुई रकम वापस कर देगा। इसके बाद मुनाफा ही मुनाफा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कहाँ पर करेंगे। आप इनको लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। फर्नीचर मार्केट और ग्लास मार्केट में इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ये तो हाथों हाथ बिक जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं तो फिर तो आपसे माल ही पूरा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।